जिन जोकर जुजू को कहां छुपा सकता है। दीदी दीदी विक्की अंकल का पता चल गया। क्या? हाँ दीदी, जिन जोकर ने उनको पहेली बनाकर अलग अलग जगह पे अलग अलग हिस्सों में छिपा दिया है। हाँ, और उसका एक हिस्सा मेरी पैंट में मिला, ये देखो। बताओ यार, मेरा लंगोटिया यार मिला भी तो मेरे पतलून में। क्या कहा तुमने? पतलून। इसका मतलब है कि जूजू मुझे टेलीपैथिकली मैसेज भेज रहे थे। जूजू सच में आप दुनिया के बेस्ट जूजू है। मतलब एक पार्ट अगर पतलून में मिल गया है तो बाकी के हिस्से भी जूते या फिर टोपी में होंगे, राइट? लेकिन जूता तो जापानी है, जापानी जूता कहाँ से लेके आएंगे? वीरू अंकल आप शांत रहिए, हमें सब जिंदोनी अंकल को बताना होगा। हाँ, ताकि वो विकी अंकल के बाकी हिस्सों को भी ढूंढ सके। ग्रेट, लो। थैंक यू जिन लॉर्ड, कुछ तो क्लू मिला। विकी का कुछ पता चला? हाँ प्रिया, वही बताने आया हूँ। अभी अभी पता चला है कि उस जिन जोकर ने विकी को एक पहेली में बांट दिया और उसके अलग अलग टुकड़ों को अलग अलग चीजों में छिपा दी। अभी अभी जीनी ने बताया कि उसको एक टुकड़ा वेला के पतलून में भी मिला है। उसका शक है कि बाकी के बचे हुए टुकड़े या तो हैट में या फिर जूते में, ऐसा कुछ कह रही थी। हैट? लेकिन विकी तो हैट पहनता ही नहीं है। जिंतू, कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम्हारी हैट में पहेली का एक टुकड़ा हो? प्रिया कैसी बात कर रही हो, मेरी हैट में होता तो मुझे पता नहीं चल जाता। हाउ इलॉजिकल इज दैट? तुम तो कुछ बोलो ही मत, तुम्हें हमेशा ऐसा लगता है ना कि मुझे कुछ नहीं आता। और मैंने ऐसा कब कहा? क्यों, तुमने डैड से नहीं कहा कि वो मेरी बातों पे ध्यान ना दे? तुम्हें ऐसा लगता है कि मेरे पास दिमाग ही नहीं है, कि मैं डम्बो हूँ। बल्कि सच तो ये है कि मुझे ये तक पता है कि युगांडा की राजधानी क्या है। तुम्हें पता है? नहीं ना, तो फिर तो तुम कुछ बोलो ही मत और अपनी हैट में चेक करो। ठीक है, तुम कह रही हो तो चेक कर लेता हूँ। Come on, चेक करो। ये तो जबरदस्ती वाली बात होगी, मैं कह रहा हूँ अगर हैट के अंदर होता तो पता चल जाता ना, मतलब मेरी। प्रियू, देखा क्या बात है, तुम तो वाकई बहुत दिमागदार निकली। मेरी टोपी में ये पहेली का टुकड़ा मतलब आया कैसे? अब खैर वो छोड़ो। वैसे प्रियो तुम तो सुपर इंटेलिजेंट हो, इंटेलिजेंट ब्लॉन्ड, माइंड ब्लोइंग। तुम तो कुछ बोलो ही मत। प्रियो, हाँ ये हम क्या कर रहे हैं? ये रोमांस का वक्त नहीं है, बल्कि ये वक्त है जीनी तक इस पहेली के टुकड़े को पहुंचाने का। राइट, तो चले, लेट्स गो। वेलू, मुझे जूजू का एक और हिस्सा मिल गया, उनके जूते में था। लवली, अब बाकी के दो हिस्से कहाँ होंगे? जीनी, चिंतनी, प्रिया, देखो ये क्या है? हमने विकी का एक और हिस्सा ढूंढ निकाला। ग्रेट, अब ये कहाँ से मिला? ये जिंतनी के हैट में था। ओह, तीन हो गए। थैंक यू सो मच जिंतनी, थैंक यू प्रिया। ला दो, मुझे दो। हाँ, ये लो। प्रिया। तीसरा अलार्म बजने ही वाला होगा। हाय जीनी, क्या हुआ? तुम्हारा जूजू नहीं आया अब तक, और ना ही तुम उसे ढूंढ पाई। बहुत कम समय बाकी है जीनी, अब बस कुछ ही समय में तुम मेरी हो जाओगी। ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि मैंने जूजू के तीन हिस्से ढूंढ लिए हैं, जूते, टोपी और पतलून से। और जोकर, ये रहे तीन हिस्से। जूता, पतलून और टोपी, व्हाट इज दिस? हे भगवान, मुझे तो लगा था कि इसने मेरे पार्ट्स को अलग अलग देशों में बांट दिया है, लेकिन जीनी तक मेरा गाना पहुंच भी गया और उसने सही जगह ढूंढ भी लिया। थैंक यू जिन लॉर्ड। वाह जीनी वाह, तुम तो वाकई बहुत समझदार हो। हाँ, इतने कम टाइम में तुमने पता लगा लिया
कि मैंने विक्की को चित्रखंड पहेली बनाकर बांट दिया है। तुम्हारी इसी अदा पर तो हम फिदा हैं जीनी, फिदा। ओए हेलो जोकर, तुमने क्या समझा क्या उसको? उसका नाम जीनी है और ये मेरी दोस्त है, मेरी। समझदार तो होगी हैं? जीनी, हमें जोकर की बातों में नहीं आना है। समय बीतता जा रहा है और विक्की का चौथा हिस्सा ढूंढना अभी बाकी है। चौथा हिस्सा तुम लोग कभी नहीं ढूंढ पाओगे, कभी नहीं। इस गलतफहमी में मत रहना, मैं चौथा हिस्सा भी ढूंढ कर निकालूंगी। अच्छा तो जल्दी ढूंढो, बहुत कम वक्त बाकी है। जीनी आखिरी क्लू है दिल, दिल, समझी तुम? अरे देखो मैं इस जोकर के झोले में हूं जिसने उसे दिल से लगा रखा है। जूजू का चौथा हिस्सा कहां ढूंढूं? कहां रखा हो सकता है? कैसे पता करूं, कैसे पता करूं? अब जूजू के तीन हिस्से तो मिल गए हैं, जूते में, टोपी में और पतलून में। चौथा हिस्सा दिल। हाँ जिनी, हाँ दिल, दिल, कॉन्सेंट्रेट ऑन दिल, दिल जिनी, दिल। चिंगलॉट प्लीज हेल्प, टाइम बहुत कम है, प्लीज। हे चिंगलॉट प्लीज, चिंगलॉट प्लीज। इस जिंजोकर ने झोला अपने दिल के पास क्यों पकड़ा है? कहीं जूजू का चौथा हिस्सा इसके झोले में तो नहीं? यस, थैंक यू जिंजोकर, मिल गया, मिल गया, मिल गया, मिल गया, मिल गया। जूजू का चौथा हिस्सा मिल गया, मैंने पहली सुलझा दी। जूजू का सर जिंजोकर के झोले में है। भाई साहब, हम भी हैं। मिस्टर जोकर, कहिए अब क्या कहना है? मेहरबान, कदरदान, साहिबान, बोलिए ना, चुप क्यों है, बोलिए। मैंने कहा था ना जिन जोकर, मैं अपने जूजू को ढूंढ लूंगी। आखिर मैं अपने जूजू की जीनी जो हूँ। मान गया जीनी, मान गया। मेहरबान, मैंने तुम्हें जीनी से दूर रखने की पूरी कोशिश की, पूरी कोशिश, लेकिन मेरी हर कोशिश नाकामयाब रही। मैंने सोचा कि मैं तुमसे जीत जाऊंगा, लेकिन मैं ये भूल गया कि जिसने जीनी का दिल जीत लिया है, मैं उसे कैसे हरा पाऊंगा? क्योंकि जहां दिल से दिल जुड़े हों, वहां ना तो कोई तुम्हारे टुकड़े कर सकता है और ना ही इस अटूट प्यार के। लेकिन शायद तुम ये भूल गए कि तुम एक जोकर हो और जोकर का काम हंसाना होता है, रुलाना नहीं। लेकिन फिर भी हम दोनों ने तुम्हें माफ किया है ना जीजू? माफी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया मेहरबान। अच्छा मेहरबान, मैं जा रहा हूं, लेकिन ऐसा नहीं है कि मेरे जाने से खिड़की यहां से चली जाएगी। बल्कि ऐसा ना हो कि जीनी के स्वयंवर में भाग लेने के लिए कोई और आ जाए और उसे प्रपोज कर दे। आपके पास वक्त बहुत कम है मेहरबान, जीनी को प्रपोज कर दो, सिर्फ 10 मिनट है आपके पास। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
चल बे विक्की, जल्दी कर ले, टाइम बहुत कम है। हाँ मैं प्रपोज करता हूँ क्योंकि वक्त बहुत कम है। ओके हाय, आई एम विक्की। बोल बोल। तो अब मुझसे शादी करोगी? अबे बावले ऐसे नहीं, कुछ और बोल। सुनो विक्की अंकल, जल्दी जाइए और वो बोलिए जो जीनी दीदी आपके मुंह से सुनना चाहती है। हाँ टेडी बेयर, प्लीज जल्दी जाइए। हाँ हाँ मैं जाता हूँ, लेकिन जीनी के पास जाने से पहले मैं विल्ला से कुछ कहना चाहता हूँ। अरे क्या बकवास कर रहा है यार तू, तू मुझे आई लव यू बोलेगा क्या, पागल है क्या तू? दिमाग खराब हो गया गधे, मैं तुझसे आई लव यू कहूंगा क्या? वही तो। नहीं विल्ला नहीं, मैं तो तेरा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। यू आर वेलकम यार, लेकिन किस बात के लिए? क्योंकि ये तू ही है विल्ला, जिसने मुझसे आग बन करके वो चेहरा देखने के लिए कहा था जो मेरे लिए बना है। लेके बाबो, ये लो एक और मुसीबत आ गई। देखो ये क्या हाल है, फिर बोल रहा है कि अपने मम्मी के घर चला जाएगा, ऐसा कभी होता है? होता है, और आपकी बार हम मम्मी का घर में जरूर जाएगा है। अरे किंतु जाने से पहले विक्की बाबू क्या बोल रहे हैं ये तो सुन लो। मैं क्या बोल रहा हूँ? बिल्कुल नहीं, हम विक्की का बात नहीं सुनेगा बल्कि विक्की मेरी बात सुनेगा। आए विक्की। अरे दुर्गा भाभी, घर में इतना बड़ा फंक्शन है और आप जा रही है? फंक्शन माने? अरे शादी होने वाली है। उमा सत्ती शादी? किसका? अरे विक्की की और प्रिया की शादी हो रही है। विक्की की और प्रिया की शादी? शराब पीला, ये क्या बोल रहे हो तुम? सही तो बोल रहा हूँ भाई, विक्की की और प्रिया की शादी होने वाली है, विक्की की जीनी के साथ और तुम्हारी चंचनी से। रे ये सब कब हो गया मायरी? आओ 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 आओ। ओ खुदाई जी, आए 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 आए, जाओ प्रताप, आई डोंट नो इधर पर है। प्रताप मेरी बात का यकीन करो, आई डोंट नो मेरी नजर के सामने गायब हो गए थे। सच्ची पूछो प्रिया डिग्री से। डॉक्टर डॉक्टर एक मिनट। ओके प्रिया बेटे, ये क्या हो रहा है? अब चैट हो नहीं रहा बल्कि होगा। व्हाट, क्या होगा? मेरी शादी। मैं चिंतनी से शादी करने वाली हूँ डैड। प्रिया ये तुम क्या बोल रही हो? हाँ डैड, और ये बात विक्की भी जानता है। एक मिनट सर, मैं एक बात बोलूं कि मैं आपकी बेटी से बहुत प्यार करता हूँ और मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। ये सब मेरा मतलब है, ये कैसे है मेरा? विक्की मेरी विक्की विक्की, ये बच्ची है, नादान है, इसे खुद नहीं पता कि ये क्या बोल रही है। मैं तो कहता हूँ कि सर सर आप कुछ मत कहिए सर, वो आपने सुना है ना, मियां बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। सर प्रिया और जिंतनी आपस में शादी करना चाहते हैं और विक्की को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, आप तो बस आशीर्वाद दीजिए सर। आशीर्वाद। अरे मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि अगर प्रिया इससे शादी कर रही है तो विक्की से शादी कौन करेगा? जीनी। What? सर देखिए मेरी बात सुनिए, ये सब है ना मैं आपको बाद में समझा दूंगा, मैं निकलूंगा। अरे बात तो विक्की, मुझे कोई तो बताएगा कि यहाँ पर आखिर हो क्या रहा है? सर आपको समझाने के लिए ये लोग है ना, आप आराम से बैठिए, संक्षेप में ही आपको समझाएंगे। मैं फिलहाल सर वक्त बहुत कम है सर। जीनी जी, जीनी ए जीनी,
से शादी करोगे? किससे शादी करोगे? जीनी, मुझे तुम्हारे जवाब का अभी भी इंतजार है। बोलो, क्या जवाब है तुम्हारा? मुझसे शादी करोगी? जुजू, मैं आपसे शादी करूंगी। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.